नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर? आज मैं आपके लिए गर्मी के मौसम में दिमाग को और शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले पान के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं। उसके लिए मैंने यहां पान के पत्ते लिए हैं, मिश्री ली है, ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है, दूध है, ग्लूकंद है। ये देखिए, एक तपेली में मैं एक गिलास के लगभग दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। अब यह देखिए आप, सब चीज़ें हैं। अब हम इनको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। पान के पत्ते हैं, ये मिश्री है। यदि आपको वो डल्ले वाली मिश्री मिले तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे को मिली नहीं है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है यहाँ पर। ये मिश्री मैं दूध में भी डाल रही हूँ। और सौंफ है यहाँ। सौंफ बहुत ठंडक पहुँचाती है दिमाग को और शरीर को भी ठंडक पहुँचाती है। ये ग्लूकंद है, सारा दिमाग को ठंडा रखने के लिए, शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब मैं इसमें शरबत में डाल रही हूँ। अब इसका पेस्ट हम बना लेंगे। यहाँ दूध बॉईल हो रहा है, अब मैं ये पेस्ट बन चुका है ये आपको बता रही हूँ। जो मैं ये देखिए चारों पांचों चीज़ों का, इसको मैंने लिक्विड फॉर्म में कर लिया है पतला। अब ड्राई फ्रूट का जो पेस्ट है इसमें मैंने पम्पकिन सीड है, बादाम है, पिस्ता है, इलायची है, बस इतनी चीज़ें हैं वो डाली है। इसको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। अब ये दूध बॉईल हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने शरबत बनाने के लिए पेस्ट तैयार किया है, उसको छान रही हूँ। ये देखिए अच्छे से, वैसे ये इसको भी खाएं तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन शरबत में अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको छानना ज़रूरी होता है। देखिए आप भी इसको बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये छन गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर रख दे रहे हैं। ठंडा होने के लिए रखने के बाद इसमें कलर हमके डालना पड़ेगा। पान का है तो पान का थोड़ा हल्का कलर तो देंगे, इसमें देना पड़ेगा। ये दीजिए, दे रहे हैं सब, ये खाने के कलर ही हैं। अब ये ठंडा अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा सर्व कीजिए इसको। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।